तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो जो मैच है वो खेला जाएगा एमसीए T20 कप का, जो कि फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है, और जो खेला जाएगा ग्लोबल स्टार वर्सेस टेकी विकेट्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हो ना, तो भाई ये मैच आपके लिए काफी शानदार जाने वाला है। ठीक है भाई, ये ऐसे मैचेस है जहां पर है ना काफी कम लोग ध्यान देते हैं, काफी कम लोग यहां पर आते हैं, और जो आते हैं ना वो भाई आधे से ज्यादा आते हैं बिना रिसर्च किए हुए। लेकिन आपका भाई आपके लिए पूरी रिसर्च करके आया। अगर वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना तो गारंटी की बात है आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर, कौन सा बॉलर बॉलिंग करेगा, कौन सा बैटर कहां पर परफॉर्मेंस दे सकता है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं ना तो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो भी फाइनल मिनट्स की अपडेट होंगी ना, जैसे टॉस के बाद जो भी अपडेट आएंगी वो आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बिना फाइनल टीम के विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जो हमारी लास्ट मैच अभी मैंने जिसके रिजल्ट पोस्ट किया है वो आप देख सकते हो। यहां पर जो वुमेन्स का 100 मैच था ना, एक तरफा अल्ट्रा क्लीन स्वीप गया, आप यहां पर रिजल्ट देख सकते हो। और जो मेन्स का 100 मैच है ना, उसके रिजल्ट मैंने अभी पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं इस मैच की रिसर्च करने में लगा हुआ था। तो उसके भी रिजल्ट बहुत ही जल्द पोस्ट करूंगा, तो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल क्लियर रहेंगी। और यहां पर चलिए अब बात करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैच के बारे में। तो मैच है जो भाई, वेन्यू रहेगा ना वो भाई यहां पर रहेगा UKM YSD क्रिकेट ओवल बेंगी मलेशिया में। और भाई पूरी लीग सेम ग्राउंड पर खेली गई है, और अब भाई यहां की विकेट है ना काफी स्लो हो गई है, तो आप मान सकते हो कि यहां पर आपको मतलब स्कोर काफी कम बनता दिखेगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो आप देख सकते हो पिच यहाँ पर रहेगी बैलेंस वैसे तो, बट यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि बॉलिंग जो बॉलर्स और ऑलराउंडर्स है यहाँ पर उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एवरेज स्कोर आप 120 से 140 के बीच में मानकर चलिए। ग्लोबल स्टार्स के प्लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अब्दुल्ला शाहिद आपको दिखेंगे, 13 मैच में 123 रन है, एक विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अजीब खान मस्ट ऑफ पिक रहेगा, इवन कैप्टनसी का सबसे खतरनाक ऑप्शन रहेगा। 88 मैच में भाई इन्होंने यहाँ पर 699 यानी कि ऑलमोस्ट 700 रन बनाए हैं। इसके अलावा भाई 63 इन्होंने विकेट भी निकाले हुए हैं। आमिर खान मलिक की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो आमिर खान मलिक ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, 91 मैचेज में 1200 रन और 84 विकेट है। अगेन एक शानदार प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। कादिर अहमद की बात करें तो 4 मैच में 42 रन है, जीएल मिनी जीएल में ज्यादा अच्छा रहेगा अगर खेलता है तो। अनस मोहम्मद मलिक की बात करें तो 30 मैच में 436 रन है। टोटली भाई बैटिंग ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये प्लेयर हमें टीम में ट्राई करना है नहीं करना, तो सारी चीजें हैं वो भाई आफ्टर टॉस डिसाइड होंगी। तो टॉस का वेट जरूर कीजिएगा, और टॉस के बाद जब लाइनअप्स आउट हो जाए ना, उसके बाद भाई जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अब यहां पर अगर बात करें भाई अरशद महमूद की, तो आप देख सकते हो 8 मैच में इन्होंने भी 278 रन बनाए, प्लेयर शानदार है, रिकॉर्ड काफी अच्छे, थोड़ा सा बस बैटिंग ऑर्डर में Top 4 या 5 में खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे नीचे जाते हो तो भाई फिर आपको ट्राई नहीं करना है। मोहम्मद फैजल की बात करें, टीम का कैप्टन और बेहतरीन प्लेयर है, 42 मैच में 710 रन, 28 विकेट, मस्ट ऑफ पिक रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। मोहम्मद कैसर की बात करें तो 21 मैच में 25 विकेट है, अगेन एक शानदार गेंदबाज, टीम का स्ट्राइक बॉलर्स में से एक, जरूर से ट्राई कीजिएगा। सुबानी शेख की बात करें तो 30 मैच में 43 विकेट इन्होंने निकाले, अगेन एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। वकार ऐदर की बात करें तो 14 मैच में 180 रन प्लस 7 विकेट है, जीएल मिनी जीएल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अब जो मोहसिन इदरीस है, इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है, और भाई इसका सिलेक्शन है ना आपको 30% से नीचे ही देखने को मिलेगा, तो ये एक आपके लिए ट्रंप कार्ड पिक हो सकता है, इस मैच में जरूर से आप इसे अपनी टीम में रखिएगा। अब अगर बात करें भाई यहां पर स्टिकी
विकेट की जो टीम है इनकी अगर जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेंगे भाई नेविले लियांगे, जिन्होंने 55 मैच खेले, 378 रन प्लस 105 विकेट है। भाई मान सकते हो कि भाई जो बंदा 105 विकेट निकाल रहा है वो कितना कमाल करेगा। ये भाई गुच्छों में विकेट निकालता है। और देखिए ग्रैंड लीग में आप इसे जरूर कैप्टन कीजिएगा, स्मॉल लीग में आपके टीम में मस्ट हैव पिक रहेगा, बट ग्रैंड लीग में कैप्टनसी का बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा सैफुल्ला मलिक की बात करें तो 146 मैचेज में 2193 रन यानी कि ऑलमोस्ट 2200 रन है प्लस 38 विकेट है। विकेट थोड़ी सी कम है तो आप है ना ये मान सकते हो कि आपके लिए पार्ट टाइम बॉलिंग करके देगा बट बैटिंग प्रॉपरली करके देगा तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वहीं अगर बात करें एस मुनारेड्डी की यानी कि शर्विन मुनारेड्डी की 217 मैच में 3100 रन इनके भी है और 147 विकेट है। अगेन आपके लिए एक शानदार प्लेयर है और जरूर से ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें हरिंदरजीत सिंह सेखोन की तो 91 मैच में 1346 रन है, ठीक ठाक प्लेयर, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। शार्विन सुरेंद्रन की बात करें 145 मैच में 1300 रन है प्लस भाई यहाँ पर 102 विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर है। जीएल मिनी जीएल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉल लीग में थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर भाई बात करें यहाँ पर एमएल खान की तो ये भी आपके लिए शानदार प्लेयर रहेगा, 61 मैच में 639 रन प्लस 55 विकेट है। वाहिब ज़्यादा की बात करें 37 मैच में 116 रन 24 विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर, जीएल मिनी जीएल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर शिवनरीन राजा रत्नम की तो आप देख सकते हो 57 मैच में 48 विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर है, ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा सिद्धार्थ नीलाकंठन की बात करें तो 60 मैच में अगेन 67 विकेट और 381 रन, एक ठीक ठाक बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसमें बॉलिंग तो काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी लेकिन बैटिंग में थोड़े से चांसेस कम है इनके रन बनाने के, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जेवियर अरायम थरप्पा की बात करें तो 58 मैच में भाई 503 रन है। यहाँ पर अगर बात करें सिद्धार्थ कार्तिक राजा रत्नम की तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इस टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म में 124 मैच में 1300 रन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। बॉलिंग से उम्मीद कम ही रखिएगा क्योंकि विकेट कीपिंग कर रहा है फिलहाल ये टीम में, तो आपके बॉलिंग मतलब काफी कम करवाता नजर आएगा। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो बॉलिंग विकेट कीपिंग सेक्शन में इनके पास और भी अच्छे प्लेयर है तो वो भी भाई यहां से विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए प्लेयर्स के बारे में आपको सारा पता लग ही गया, अब एक बार भाई मैं आपको दिखा देता हूं दोनों टीम्स के लास्ट मैच में क्या बैटिंग ऑर्डर रहा था। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल स्टार्स की, जो भाई लास्ट अपना मैच जीत कर आ रहे हैं और भाई ये क्वार्टर फाइनल मैच था, ऑब्वियस सी बात है भाई जीतेंगे तभी यहाँ पर पहुंचेंगे, बीडी टाइगर्स 11 को हरा के आ रहे हैं। बात करें अगर इनकी बैटिंग की तो यहाँ पर भाई नासिर अब्बास ओपनिंग करने आया था, मोहसिन इदरीस के साथ दोनों ने कुछ खास शुरुआत नहीं की और यहाँ पर भाई बॉलर्स को काफ़ी शानदार हेल्प थी इस विकेट पर, आप देख सकते हो जिस हिसाब का स्कोर बना आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा मोहम्मद फैजल वन डाउन बैटिंग करने आया, 8 रन बनाए, आमिर खान टू डाउन बैटिंग करने आए, 0 पर गया। इसके अलावा जो असलम खान मलिक है इन्होंने 8 रन बनाए, अजीब खान काफ़ी नीचे बैटिंग करने आए लेकिन 18 रन की तेज तर्रार पारी खेली। इसके अलावा भाई बात करें रहीम खान मलिक की तो इन्होंने 5 बॉल पर 9 रन बनाए। अब आ जाते भाई इनकी गेंदबाजी में, तो गेंदबाजी में देखिए आमिर खान गेंदबाजी करवा रहा है, यहाँ पर आप देखिए 2 विकेट निकाले। इरफान साफी की बात करें तो 3 ओवर में 3 विकेट निकाले। इसके अलावा मोहसिन इकबाल 3 ओवर में 1 मेडिन ओवर डाला और विकेट लेस गया। लेकिन जो मोहम्मद कैसर है टीम का कैप्टन, 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। रहीम खान मलिक ने यहाँ पर भाई 2 ही ओवर डाले थे और 2 ओवर में 3 विकेट निकाल कर ले गया। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से मैं अगर मार्क करूँ तो एक तो देखिए मोहसिन इदरीस या नासिर अब्बास में से किसी को ट्राई कीजिएगा, इसके अलावा मोहम्मद फैजल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा आमिर खान इंपॉर्टेंट रहेगा, रहीम खान मलिक इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे अगर बात करें तो मोहम्मद कैसर को आप ट्राई कर सकते हो या फिर इरफान साफी तो आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। अब अगर बात करें भाई सामने वाली टीम की यानी कि भाई जो स्टिकी विकेट है इनकी अगर बात करें तो इन्होंने भी भाई काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी। यहाँ पर सैयद अजीज ओपनिंग करने आया था, 22 बॉल पर 57 रन की तेज तर्रार ताबड़तोड़ नोक खेली। सिद्धार्थ कार्तिक राजा तरनम की बात करें तो 11 रन बनाए। इसके अलावा शर्विन सुरेंद्रन की बात करें तो भाई ये सिर्फ 8 ही रन बनाकर नोट आउट रहे। वहीं अगर बात करें भाई इनकी गेंदबाजी की तो गेंदबाजी इनकी भी काफ़ी शानदार रही थी। यहाँ पर भाई जो नेविले लियांगे इन्होंने भाई 4 ओवर में 3 विकेट निकाले और 1 मेडिन ओवर भी डाला। सैयद अजीज ओपनिंग कर रहे हैं प्लस 4 ओवर की गेंदबाजी और 1 विकेट भी निकाला, कैप्टनसी का बहुत ही शानदार ऑप्शन है। यूसुफ अयजान
यूसुफ अजियान फरात की बात करें तो 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले, अगेन आपके लिए काफ़ी खतरनाक प्लेयर है। शार्विन मोनारेड्डी ने 3 ओवर में 1 विकेट निकाला, वाहिब ज़ादा ने 2 ओवर में 3 विकेट निकाले। इसके अलावा भाई जो एकमात्र इनका गेंदबाज था इस मैच में जो विकेट लेस गया शिवनारायण राजा रत्नम की, तो इन्होंने 2 ओवर डाले और यहाँ से विकेट लेस गया। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की, तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। मैच स्टार्ट होने में 2 घंटे 26 मिनट है, जब आपको वीडियो मिलेगी तब 2 घंटे से भी कम का टाइम बचा होगा। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, आपको टीम सेव कर लेनी है और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना है। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और दूसरा लिंक मैंने अभी मतलब टेलीग्राम का, देखिए यहाँ पर क्या होता है कभी कभी लिंक एक्सपायर हो जाता है, तो जो दूसरा लिंक है ना वो मैंने आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट कमेंट होता है वहाँ पर पिन किया हुआ है, तो वहाँ से जाइए अभी की अभी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अब चलिए भाई बात करते हैं ऐसे विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो यहाँ से अगर बात करें तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अजीब खान विकेट कीपिंग सेक्शन में, क्योंकि देखिए प्लेयर काफ़ी खतरनाक है। और देखिए अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बैटिंग थोड़ा नीचे कर रहा है साथ ही बॉलिंग नहीं करवा रहा। एस कार्तिक की बात करें तो अगेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे क्योंकि ओपनिंग कर रहा है, तो अभी के लिए मैं एस कार्तिक के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर आमिर खान मलिक मस्टर पिक रहेगा। इसके अलावा नासिर अब्बास की बात करें तो ओपनिंग कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बट अभी के लिए मैं मोहसिन इदरीस को अपनी टीम में जरूर रखना चाहूँगा। रीज़न इसका मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मोहसिन इदरीस का सिलेक्शन कम है और प्लेयर काफ़ी अच्छा, स्टेट्स मैंने दिखाई, नासिर अब्बास भी प्लेयर अच्छा है, लेकिन जो अगर ये चल गया ना तो आपकी टीम को कोई हराने वाला नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेक्शन इतना कम है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो एस सुरेंद्रन को आप ट्राई कर सकते हो, बाकी ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं, तो आप यहाँ से नासिर अब्बास के साथ ही जा सकते हो। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो आमिर खान मलिक और यहाँ से सैयद अजीज़ दोनों मास्टर पिक रहेंगे, वाहिब ज़्यादा को हम अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा भाई और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर दिख नहीं रहा, एस राजा रत्नम को आप अपनी टीम में रख सकते हो या फिर एस मुनारेड्डी को, बट यहाँ से बॉलर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एन लियांगे हमारी टीम में रहेंगे, आर खान मलिक हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा यहां से अगर नीचे चले तो इरफान साफी सिर्फ 13% सिलेक्शन पर मिल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से अपने टीम में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भाई वाई अजान फरहात की बात करें तो ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं मोहम्मद कैसर को अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। सी वीसी की बात करेंगे तो नो डाउट कैप्टनसी जो जाएगी वो सैयद अजीज के साथ जाएगी। वीसी की बात करें तो भाई यहां से आमिर खान मलिक को मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। तो देखिए भाई हमारा जो कैप्टन है उनका सिलेक्शन सिर्फ कैप्टनसी में 9% है, तो आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंशियल कैप्टन भी है, तो जरूर से आप इसे अपनी कैप्टनसी रख सकते हो। इसके अलावा नासिर अब्बास को भी आप चाहो तो रख सकते हो, बट काफी रिस्की रहेगा सीवीसी रखना। तो टीम के अगर प्रीव्यू की बात करें तो कुछ इस प्रकार की टीम आपको देखने को मिलेगी, और इस टीम में अगर कोई भी चेंजमेंट होता है छोटा बड़ा तो वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।